बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक जो दी गई हुई नंबर है उसका क्यूब रूट फाइंड करें, ठीक है। और हमारे साथ पार्ट नंबर 3 है -27। पहली आपको कोई चीज़ आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यूब की क्या मानी है, यानी क्यूब यानी 3 और रूट्स यानी अंडर रूट, ठीक है। यानी क्यूब रूट ये दो लफ्ज आपस में लिख लो क्या बन जाता है, यानी क्यूब्स रूट्स यानी 3 अंडर रूट बन जाता है, ठीक है, ये बन जाता है। और यह कहते हैं कि -27 के क्यूब रूट फाइंड करें, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू -27, ठीक है। क्वेश्चन में कहते हैं कि क्यूब रूट फाइंड करें किस चीज़ का, -27 का। हम -27 पर क्यूब रूट लेना होगा, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू -27 क्यूब रूट, ठीक है। देखिए कि x इज इक्वल टू -27 1/3। हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ, हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि 1/3, ठीक है। इस बोथ साइड पर क्यूब लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब ये 3 ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पर क्या लेना होगा, क्यूब लेना होगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पर क्यूब लो, ठीक है। यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 1/3 क्यूब। हमने बोथ साइड पर क्यूब लिया, ठीक है, ये इसके साथ कैंसल। यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 1 के साथ ज़रब करो हमारे साथ -27, ठीक है। फिर क्यूब इज इक्वल टू ये -27 ये इसी तरह भी लिख सकता है कि 3 × 3 × 3 = 9 × 9 = 27, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यानी 3 × 9 = 9 × 3 = 27, ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 होल क्यूब, ठीक है। जब ये आप इसमें ये -3 3 बार रिजर्व करें तो हमारे साथ -27 आ जाता है, ठीक है। देखिए कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू यह देखिए कि यहाँ हमारे साथ एक फार्मूला बन गया है, ठीक है। ये फार्मूला है, पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि ये -27 हम राइट सॉरी ये -3 हम राइट तरफ शिफ्ट करते हैं, ये हमारे साथ प्लस, ये माइनस है, ये हम राइट तरफ शिफ्ट करें हमारे साथ +3 आ जाता है, ये +3 ये क्यूब और इज इक्वल टू 0, यह 0 रह गया, यानी 0। देखिए कि ये हमारे साथ एक फार्मूला बन गया, वो ये फार्मूला है हमारे साथ, हमारे साथ ये फार्मूला है, यानी a क्यूब + b क्यूब
इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया हमारे साथ। यह देखिए कि ये एक जगह पर है एक्स और थ्री बी की जगह पर है, ठीक है। एक जगह हमारे साथ क्या है, एक जगह यानी एक्स है और बी की जगह हमारे साथ थ्री है। यह देखिए कि यह क्या है ए है, एक जगह हमारे साथ क्या है एक्स, फिर प्लस है हमारे साथ प्लस और बी की जगह हमारे साथ क्या है थ्री थ्री। फिर देखिए कि हमारे साथ क्या है ए है और एक जगह हमारे साथ क्या है एक्स है यानी एक्स। यह देखिए यह स्क्वायर है और यह भी स्क्वायर होगा। फिर हमारे साथ माइनस है माइनस, एक जगह हमारे साथ क्या है यह ए है और एक जगह हमारे साथ क्या है एक्स है, यह एक्स होगा, ठीक है। फिर देखिए कि बी बी जगह हमारे साथ क्या है थ्री है, ठीक है, और यह थ्री होगा थ्री। फिर देखिए कि यह क्या है प्लस है प्लस और बी की जगह हमारे साथ क्या है थ्री है, ठीक है, यह थ्री। और यह देखिए स्क्वायर है और इस तीर पर भी स्क्वायर हो स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यह देखिए कि एक्स प्लस थ्री यानी एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। यह देखिए थ्री इज भी एक्स यानी थ्री एक्स माइनस पहला यानी माइनस थ्री इज भी एक्स थ्री एक्स, ठीक है, प्लस थ्री थ्री इजर नाइन थ्री थ्री जर नाइन और इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो एक्स टर्म का है और ये इसका है यानी ये दोनों का है, मतलब ये है यानी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। एक्स खत्म गई ब्रैकेट, ठीक है, यानी एक्स प्लस थ्री, सॉरी यहाँ देखिए कि यहाँ हमारे साथ प्लस थ्री है, ये हम राइट राइट तरफ शिफ्ट करें हमारे साथ माइनस थ्री होगा माइनस थ्री, यानी हमने प्लस थ्री को राइट तरफ शिफ्ट किया हमारे साथ माइनस थ्री। और यह देखिए ये हमारे साथ एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्वाड्रेटिक सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यानी हमने एक्स का वैल्यू एक पाइन किया, ठीक है, और हमें दो और पाइन करना है क्योंकि क्यूब जहाँ क्यूब रूट पाइन करनी है, क्यूब रूट पाइन करने के लिए हमारे साथ तीन एक्स का वैल्यू आ जाता है यानी तीन सॉल्यूशन सेट आ जाता है, एक हमारे साथ एक्स आ गया है और दो और आना है। यह देखिए रह गया है एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। एक जगह हमारे साथ गया है वन और बी की जगह हमारे साथ माइनस थ्री और सी की जगह हमारे साथ नाइन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। एक्स इज इक्वल टू यह देखिए यह हमारे साथ क्या है माइनस
और बी जगह हमारे साथ क्या है, बी की जगह हमारे साथ माइनस थ्री और प्लस माइनस अंडर रूट, बी की जगह हमारे साथ क्या है थ्री है, ठीक है, और ये माइनस थ्री और स्क्वायर पर मूल्य वाला ये स्क्वायर माइनस फोर और एक जगह हमारे साथ क्या है वन है, एक जगह हमारे साथ वन है और सी की जगह हमारे साथ क्या है नाइन है, यह देखिए सी सी की जगह हमारे साथ नाइन है और डिवाइडेड बाय टू, एक जगह हमारे साथ क्या है वन, यानी हमने वैल्यू पुट किया है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस अभी माइनस प्लस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट और माइनस थ्री जर भी माइनस थ्री नाइन और माइनस फोर वन जर फोर फोर जर भी नाइन और थर्टी सिक्स हमारे साथ डिवाइडेड बाय, ठीक है, और टू वन जर टू x is equal to 3 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट देखिए हम और छत्तीस से नौ निकाले हमारे साथ क्या रह जाता है, हमारे साथ जब हम और छत्तीस से नाइन निकाले हमारे साथ माइनस ट्वेंटी सेवन रह जाता है माइनस ट्वेंटी सेवन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टू, यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी, देखिए कि ये माइनस ट्वेंटी सेवन है, ये माइनस ट्वेंटी सेवन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस वन जरवे माइनस वन जरवे नाइन जरवे थ्री, क्योंकि जब ये माइनस वन और जरवे नाइन जरवे थ्री आपस में जरब करें तो फिर हमें तो फिर ये बन जाता है, कैसे बन जाता है कि देखिए कि नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन वन जर ट्वेंटी सेवन, ठीक है, और माइनस अपना ए माइनस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस, माय डियर स्टूडेंट ये देखिए कि ये अंडर रूट माइनस वन का है नाइन का है और थ्री का है, यानी ये वन का माइनस वन का भी है नाइन का भी है और थ्री का भी है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस वन अंडर रूट नाइन अंडर रूट थ्री अंडर रूट डिवाइडेड बाय टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस, माय डियर स्टूडेंट हमें नाइन में पढ़ा था कि हमारे साथ माइनस वन अंडर रूट आयोटा का बराबर है, कि किसका बराबर है माइनस वन अंडर रूट आयोटा का बराबर है, ठीक है, यह देखिए ये हमारे साथ क्या है माइनस वन है, सॉरी माइनस वन अंडर रूट है, हमने क्लास नाइन में चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3 में, मेरे ख्याल में 3.3 में हमने पढ़ा था कि माइनस थ्री सॉरी माइनस वन अंडर रूट हमारे साथ आयोटा का बराबर है और यह क्या होगा आयोटा होगा, माय डियर स्टूडेंट हमारे साथ नाइन अंडर रूट का हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है यानी थ्री थ्री जर नाइन और थ्री अंडर रूट अपना हम क्योंकि थ्री का माइनस थ्री का अंडर रूट का हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर देखिए कि एक्स इज इक्वल टू तरतीब में लिख लो कि एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस ये थ्री पहले थ्री फिर आयोटा और थ्री अंडर रूट डिवाइडेड बाय टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए
डियर स्टूडेंट देखिए कि यहाँ देखिए ये एक्स इज इक्वल टू यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री, पहले ये लिख लो थ्री प्लस माइनस थ्री आयोटा और अंडर रूट थ्री और डिवाइडेड बाय टू। ये एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिखो, क्योंकि थ्री प्लस और थ्री माइनस यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस में, यानी ऐसा लिख लो यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री आयोटा अंडर रूट थ्री और डिवाइडेड बाय टू, यानी थ्री प्लस थ्री आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू, क्या क्या प्लस है इसलिए हमने एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिखना होगा, यानी थ्री थ्री यह क्या है माइनस है यानी माइनस ठीक है, और थ्री आयोटा अंडर रूट थ्री और डिवाइडेड बाय टू। एक्स इज इक्वल टू यह देखिए कि यह हमारा सत क्या है माइनस थ्री का मान है, क्योंकि कॉमन है कि हमने ये हम माइनस थ्री इसलिए कॉमन कर सकते हैं कि जो हमारे साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है इसके मुताबिक हम माइनस थ्री कॉमन कर सकते हैं ठीक है। यह देखिए कि यह हमारे साथ माइनस थ्री कॉमन है ठीक है, फिर देखिए ये माइनस सॉरी प्लस थ्री है, ये हमारे साथ यह प्लस है हमारे साथ हम माइनस होगा, क्योंकि यह प्लस है यह इसके साथ जब हम माइनस थ्री कॉमन करें माइनस थ्री कॉमन करें यह साइन है ये चेंज होगा ठीक है, ये माइनस होगा यानी थ्री वन जर थ्री यह क्या होगा वन यानी थ्री वन जर थ्री, और ये प्लस है ये भी माइनस होगा साइन चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया है। फिर हमारे साथ थ्री वन जर थ्री यानी यह हमारे साथ क्या है आयोटा यानी यह हमारे साथ वन है एक्चुअली वन है ठीक है, यानी थ्री वन जर थ्री आयोटा अंडर रूट थ्री और डिवाइडेड बाय टू। यह देखिए यह हमारे साथ क्या कॉमन है, यह देखिए यह भी हमारे साथ क्या है माइनस थ्री कॉमन है और क्या होगा माइनस थ्री कॉमन है और यह हमारे साथ माइनस थ्री कॉमन है और ये प्लस थ्री है और ये माइनस होगा, क्योंकि यह माइनस यह प्लस है हमने माइनस कॉमन किया और ये साइन चेंज होगा थ्री वन जर थ्री यानी थ्री वन जर थ्री ये हमने माइनस कॉमन किया था और ये प्लस होगा ठीक है, ये आयोटा यानी थ्री वन जर थ्री यहाँ वन है यानी थ्री वन जर थ्री आयोटा अंडर रूट थ्री और डिवाइडेड बाय टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री माय डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू ये हमारे साथ किस का बराबर है ओमेगा का बराबर है ठीक है, और माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू ये हमारे साथ ओमेगा स्क्वायर का बराबर है ठीक है। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू ये हमारे साथ ओमेगा का बराबर है, फिर माइनस थ्री हमने ये भी पढ़ा था कि माइनस वन प्लस वो आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू यह क्या है माइनस है यह प्लस है यानी यह हमारे साथ माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू यह हमारे साथ ओमेगा स्क्वायर का बराबर है, ये हमारे साथ ये सॉल्यूशन सेट है। अब ये दो बात आपको याद करनी होगी कि हमारे साथ जो ओमेगा है यानी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाय टू ये इस चीज़ का बराबर है, और दूसरे हमारे साथ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री और डिवाइड बाय टू, ये दो बातें आपको याद करनी होगी कि हमारे साथ जो ओमेगा है माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाय टू ये ओमेगा का बराबर है, और ओमेगा स्क्वायर माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू ये ओमेगा स्क्वायर का बराबर है।
इस जगह हमने ओमेगा पुट किया क्योंकि ओमेगा का बराबर है और यहाँ देखिए ये ओमेगा स्क्वायर का, यहाँ देखिए कि माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट ओवर थ्री डिवाइड बाई टू, ये ओमेगा का बराबर है और यह हमने ओमेगा स्क्वायर का बराबर है, यानी यह हमने ओमेगा स्क्वायर पुट किया। ये हमारे साथ रिक्वायर्ड क्या है, सोल्यूशन सेट है।